नागपुर जिले में बढ़ी टेस्टिंग, कुल 20,036 लोगों की हुई टेस्टिंग। टेस्टिंग बढ़ने से कोरोना संक्रमित भी बढ़े। बुधवार को मिले 1,370 पॉजिटिव मरीज, जिसमें शहर के 591, ग्रामीण के 774 और जिले के बाहर के 12 मरीज शामिल। नागपुर जिले में अब तक कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 4,66,780 पर। जिले में कोरोना संक्रमण की वजह से बुधवार को कुल 36 मरीजों की हुई कोरोना की वजह से मौत, जिसमें शहर के 11, ग्रामीण के 13 और जिले के बाहर के 12 मरीज शामिल। जिले में अब तक कुल 8,657 मरीजों की हुई है कोरोना संक्रमण की वजह से मौत। एक्टिव मरीजों की संख्या में लगातार हो रही है गिरावट। जिले में कुल 21,528 एक्टिव केसेस। बुधवार को कुल 3,778 मरीज हुए संक्रमण से रिकवर। अब तक कुल 4,36,595 मरीज हुए हैं संक्रमण से रिकवर। शहरवासियों के लिए राहत भरी खबर, रिकवरी रेट में हो रहा है लगातार इजाफा। रिकवरी रेट बढ़कर पहुंचा 93.53% पर। अत्यावश्यक काम ना हो तो ही निकले घरों से बाहर, दूसरी लहर ने अब तक पुलिस द्वारा शहर में बिना वजह घूम रहे 9,333 लोगों का ऑन द स्पॉट एंटीजन टेस्ट का परीक्षण किया। परीक्षण कराए गए लोगों में से 233 लोगों की टेस्ट पॉजिटिव आई। पॉजिटिव नागरिकों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया। जिला कलेक्टर रविंद्र ठाकरे ने नागरिकों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। टीकाकरण पर जोर देने, बार बार हाथ धोने और शारीरिक दूरी समेत मास्क लगाने की है अपील। जिला परिषद में ग्राम सेवकों और ग्राम विकास अधिकारियों के स्थायी यात्रा भत्ते को बढ़ाकर 1500 रुपए करने का निर्णय हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की। महाराष्ट्र राज्य को मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर पुणे ने 250 बायोपैम ब्रीदिंग उपकरण दान किए। स्वास्थ्य विभाग ने इन बायोपैम उपकरणों को राज्य भर के सभी जिला स्वास्थ्य केंद्रों के साथ साथ ही जिले के कोविड केंद्रों में भी वितरित करना शुरू कर दिया है। गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटील आ जाएंगे नागपुर। शहर में मनपा के इंडियंस दस्ते ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 31 प्रतिष्ठानों पर की कार्रवाई, वसूला 2,26,000 रुपए का जुर्माना। मनपा दस्ते ने बिना मास्क के घूम रहे 9 गैर जिम्मेदार नागरिकों के खिलाफ की कार्रवाई, वसूला 4,500 रुपए का जुर्माना। बुधवार को ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 2,227 वाहन चालकों पर की कार्रवाई, वसूला 2,92,800 रुपए का जुर्माना। मुंबई शराबबंदी कायदे अंतर्गत 10 मामलों में 12 आरोपियों को किया गया है गिरफ्तार। 13,84,097 रुपए का मुद्देमाल किया गया है जब्त। मौसम विभाग ने बुधवार को नागपुर जिले में 24 मिमी बारिश की दर्ज। आज भी बारिश होने की संभावना, मौसम विभाग ने जताई आशंका।